वेल, अली और सारा खान, यस, इन दोनों का एक बहुत बड़ा, बहुत ही पुराना पास्ट है, जिस वजह से जो है ये दोनों काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में अटक गए थे। बिग बॉस में इन दोनों की शादी हो गई, लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। और अब लॉकअप में आफ्टर 12 इयर्स एक ही साथ, एक ही मंच पे फिर एक बार ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। वेल, जब अली आए थे स्टार्ट में, सारा उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर रही थी और अली भी ज्यादातर उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज के एपिसोड में इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, जो हमें देखने मिलने वाला है। इसका प्रोमो भी सामने आ चुका है, इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करणिक। वेल, आपको बता दें कि जब सारा ने देखा अली को आने के बाद, उसका काफी मूड खराब हो गया था। बाकी लोगों से, भले वो केवी हो, साइशा हो, शिवम हो, शिवम के साथ नहीं, साइशा और केवी के साथ ज्यादातर उन्होंने बात की कि किस तरीके से उनका पास्ट रहा है, किस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती है अली को इस शो में उनके साथ, लेकिन अब उन्हें देखना पड़ रहा है। अली भी आने के बाद पायल के साथ और यू नो बाकी लोगों के साथ जैसे जैसे वक्त मिलता था, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें अपनी पास्ट की शेयर करते हुए नजर आए, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ आज सच इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इस हफ्ते इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जहां पर सारा बहुत ही पहले से बताती है कि ये हर बार मुझसे बात करने की कोशिश करते आए हैं, लॉकअप के बाहर भी, तो अभी भी शायद लॉकअप में वो कोशिश कर रहे हैं सारा से बात करने की, जो सारा बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसलिए सारा का गुस्सा फूट जाता है उनके ऊपर और वो कहती है कि आप मुझसे बार-बार बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा मुझे आपसे बात नहीं करनी है, तो प्लीज आप मुझसे दूर रहो, और आपकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है, मुझे और ज्यादा नहीं खराब करनी, बिकॉज आपके साथ जो कुछ भी चीजें हुई थी एक बहुत बड़ा थप्पा लग गया था जो मैं अभी तक मिटा नहीं पा रही हूं। इसके बाद अली कहते हैं कि तुमने लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें की जिसकी वजह से आज तक तुम सेटल नहीं हो। इसके बाद सारा को गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझे बताओगे मैं सेटल हूं या नहीं, तुम्हारे वजह से मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है, तुम्हारी वजह से मैंने इतनी सारी चीजें सहन करी है, और अब तुम आके मुझे बोलोगे मुझसे दूर रहो, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। इस तरीके से सारा जो है अली के ऊपर अपना गुस्सा जो है फोड़ देती है, और अली भी कहते हैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कि तुम अभी तक सेटल्ड नहीं हो खुद ही के बदौलत। अब आपको क्या है इसके ऊपर कहना, कौन सही कौन गलत आपको लग रहा है? इन दोनों के फाइट की वजह से डेफिनेटली शो के अंदर मसाला तो दिखाई देने वाला है। वेल, सारा और अली काफी बोर चल रहे थे, इसके बारे में कंगना ने जजमेंट डे पर कल भी बताया। इनफैक्ट अली को तो डायरेक्टली चार्जशीट पे नॉमिनेट कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे शो में। तो क्या आपको लग रहा है ये सिर्फ थोड़ा दिखने के लिए चल रहा है इन दोनों में से किसी का, या फिर दोनों का, या फिर ये दोनों जेन्युइनली एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे हैं, देखना नहीं चाहते एक दूसरे को आमने सामने? क्या है आपका टेक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।